सिद्धि साधनाओं में महाराज काल भैरव की साधना एक बहुत ही सर्वोत्तम और रहस्यमय और दुर्लभ साधना है। यदि कोई भी साधक अपने जीवन काल में बहुत ज़्यादा शत्रु बाधा से पीड़ित हो, तंत्र प्रयोग से पीड़ित हो, भूत प्रेत आदि शक्तियों से पीड़ित हो, तो उसको महाराज काल भैरव की साधना अवश्य करनी चाहिए। या जो तंत्र क्षेत्र में पारंगत होना चाहते हों, सभी साधक साधिकाओं को जय श्री माता रानी, जय मयूरमाला। हमारे बीच में पांडे जी हैं जो बिहार से हैं और ये भारतीय थल सेना में एक रैंक पे रहे हैं, अधिकारी रैंक पे, और ये रिटायरमेंट के बाद इन्होंने साधनात्मक जीवन को आगे बढ़ाने का सोचा और योग माया दरबार में आके इन्होंने महाराज काल भैरव की साधना की। तो पांडे जी, हमारे साधकों को बताइए आप अपने अनुभव और किस प्रकार से आपकी साधना सफल रही और कैसे आप जुड़े हमसे, पहले ये बताइए। पहले तो मैं गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। जय गुरु जी के पहला में वीडियो देखा हूँ और उस वीडियो के माध्यम से मैं गुरु जी को फ़ोन करके और यहाँ तक मैं इस दरबार में, योग माया दरबार में मैं पहुँचा। यहाँ पे जो भी हो रहा है बहुत ही बढ़िया हो रहा है। जो भी स्टाफ है यहाँ पर वो सारे ही बहुत अच्छे हैं और यहाँ पर किसी प्रकार का ठगहारी नहीं है जी। मैं सारे साधक और साधिकाओं को मैं यही कहूँगा, जिसको भी अगर कोई भी साधना करना हो तो योग माया दरबार में ज़रूर आए और गुरु जी से बात करें, क्योंकि गुरु जी बहुत ही अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं और सारे स्टाफ भी बहुत यहाँ के अच्छे हैं। मैं यही आप लोगों से कहूँगा कि आप कहीं मत भटके, यहीं पर आएँ। यहाँ पर आपको 100 में 100% आपको सिद्धि मिलेगी, ज़रूर मिलेगी, ये मेरा विश्वास है। क्योंकि जब मेरे जैसा आदमी को मिल गया तो आप सभी को भी मिलेगा, क्योंकि आप बहुत मेहनत किए साधना में, महाराज काल भैरव की साधना मेहनत किए और इनके प्रैक्टिकल में हमको मेहनत नहीं करनी पड़ी। इनको बस एक बार इनको लिंक मिल गया कि शक्ति कैसे जवाब देती, उसके बाद आपने स्वयं ही सारे प्रश्नों के उत्तर स्वयं ही देख देख के सारे प्रश्नों को उत्तर देना प्रारंभ कर दिया। ऐसा बहुत कम साधकों के साथ होता है कि एक बार हमसे हिंट पा जाएं उसके बाद सब जवाब स्वयं ही देने लगें, तो बहुत बड़ी बात होती है। इन्होंने मेहनत की, पूर्ण श्रद्धा, सबसे बड़ी बात ये पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण विश्वास के साथ आए हुए थे और अपनी पूर्ण आस्था से, अपूर्ण समर्पण से इन्होंने साधना प्रारंभ की और साधना के साथ साथ इन्होंने मेहनत भी पूरी की और अपने समर्पण के कारण इन्होंने वो प्राप्त किया जो सबको इतनी जल्दी प्राप्त नहीं हो पाता है। क्योंकि एक बार आप जैसे शक्ति से जुड़ गए, हमने प्रैक्टिकल में जोड़ा, उसके बाद आप कंटिन्यू सारे प्रश्नों के उत्तर स्वयं प्रश्न करके सब कुछ उत्तर जानने लगे, क्यों पांडे जी? जी सही बात है, सारे प्रश्न मेरे आँखों के सामने आते हैं और मन में उतर आते हैं बिल्कुल, और फिर मैं बहुत जल्दी मैं दूसरा साधना करने के लिए मैं इस दरबार में बहुत जल्द आऊँगा। जी जी जी, बड़ी कृपा है मैया की और बाबा की, बहुत 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 कृपा है, बहुत कृपा। आप सबकी साधना सफल हो जाती है और हमें भी बड़ी खुशी होती है कि कोई हमारे पास इतने पूर्ण आस्था विश्वास के साथ आता है और उसकी साधना सफल हो जाती है, तो जितनी खुशी आपको होती है उतनी ही खुशी हमको भी होती है। आपके साथ 7-8 लोगों ने साधना की जी, सभी की साधना, हाँ सभी का साधना पूर्ण हुई बिल्कुल, और मैं तो बहुत खुश हूँ माता योग माया के दरबार में। अरे सब बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। तो ये मैं बहुत निराश होकर आया था लेकिन बहुत खुश होकर मैं आज जा रहा हूँ, तो फिर बहुत जल्द मैं आऊँगा। बिल्कुल बिल्कुल, आइए, स्वागत है आपका। क्योंकि यहाँ पे पांडे जी, पता नहीं मैया का ऐसा आशीर्वाद है, व्यक्ति सिर्फ आखिरी बार ही आता है, कहता है अब की जा रहे हैं, अब की बार अगर नहीं होगा तो नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ उनके आशीर्वाद से उसको चीज़ मिल जाता है जिस चीज़ के लिए भटकता रहता जी, है। जी जी, यहाँ हमको कहीं भटकना नहीं पड़ा। आप लोग से यही निवेदन है कि आप लोग कहीं मत भटकिए, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भाई इस वीडियो को देखे वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि अगले भाई कहीं ठग के शिकार मत हो। बिल्कुल बिल्कुल, ये सबसे बड़ी बात है कि लोग ठगी का शिकार हो जाते हैं तंत्र साधनाओं के नाम पे, तो ये ना हो। और आप कहीं भी जाइए, सही जगह जाके साधना करिए और जीवन को बदलिए, जिससे आपका भौतिक जीवन, आध्यात्मिक जीवन दोनों बदलेगा साधनाओं से। तो पांडे जी का ये अनुभव रहा। पांडे जी अधिकारी पद पर नियुक्त थे और इन्होंने सेवा निवृत्त जो है
होकर आए हैं और ये अब साधनाओं के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपना जीवन बिताना चाहते हैं, तो ये एक वेल एजुकेटेड पर्सन है और सैन्य कर्मी रहे हैं, तो इनका भी एक व्यक्तिगत अनुभव है। जो ये कोई कहते हैं गुरुजी ऐसे वीडियो बनवा देते होंगे, तो आपका एक व्यक्तिगत स्वयं का अनुभव है और आप सेना में अधिकारी पद पे रहे हैं, क्यों पांडे जी? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जो मेरे मन में विचार आया, ख्याल है, जो सच्चाई है, जो हकीकत है, बिल्कुल मैं वही बता रहा हूँ। एक बार आप लोग को आना चाहिए, जो भी वीडियो देख रहे हैं, जिनका मतलब इस क्षेत्र में जाने का मन है, वो जरूर आए यहाँ पर। बिल्कुल, बिल्कुल मैं आप लोग से यही हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ। तो ये पांडे जी का अनुभव रहा, जो भी साधक आना चाह रहे हो आए, साधना करें, जीवन बदलें। जय श्री माता रानी, जय मा योग माया, जय माता योग माया।